नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटे, चैप्टर एज सच हम लोग खत्म कर चुके हैं। मैंने दो वीडियो उसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है जो कि आपके एनसीईआरटी से हटके हैं। कुछ क्वेश्चन इसके भी होंगे उसमें, मैं इस बात से नकार नहीं रहा, लेकिन जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा उनका पैटर्न इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है बेटे, और उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत होती है, और इसीलिए मैंने दो वीडियोज उसके दिए थे आपको। कुछ और वीडियोज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है बेटे, आज फिलहाल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिख रखे हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन अपने सामने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में लूंगा, कुल 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के। ठीक है बेटे, तो बहुत जबकि चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, तो बहुत सारे क्वेश्चन से भी आप लोग वाकिफ हो चुके हो, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बेटे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बहुत आसान भी लगेंगे। ठीक है, मैं उसका हिंट देता जाऊंगा, और जो मुझे लगता है कि हाँ आपके लिए मुश्किल होगा उसको मैं पूरा सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है बेटे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन अपना जो है आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटे जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे हम क्यों ना एफ एक्स मान लें। ठीक है बेटे, तो मैंने इसे एफ एक्स ले लिया अपने फंक्शन को, 3x² माइनस ऑफ 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 9। ये बेटा आपको दिया हुआ है एक फंक्शन, और इसका इसको आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। आप देख रहे हो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आपको डिफरेंशिएट करना है एक एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 से लेके 11 तक, और बाकी क्वेश्चन में इन्होंने खुद ही पूछ रखा है कि आप डीवाई बाई डीएक्स निकालिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो तो ये एक आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन है और इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इस फंक्शन का पावर दे रखा है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक्स रेज टू द पावर एन वाला हम आइडेंटिटी आसानी से लगा सकते हैं, हमें लॉग लेने की आवश्यकता इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। जैसा पिछले वीडियोज में आपको पूरे भली भांति एक्सप्लेन किया गया था उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो चेन रूल यहाँ पे लगाते हुए मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटे, तो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो बेटा एफ डैश एक्स आता है, और अभी पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जिस फंक्शन का पावर है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और ऐसे डिफरेंशिएट करने को ही हम चेन रूल कहते हैं। तो बेटे देखो 9 पावर जो था मल्टीप्लाई में आया, और जिसका पावर था उस फंक्शन को हमने लिखा। ठीक है बेटे, 9x प्लस 5 और एक पावर कम कर देते हैं 8 आ गया, और इंटू अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके पावर को हमने डिफरेंशिएट किया, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटे 3x² का डेरिवेटिव 6x आएगा, और 9x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 9, और यही बेटा इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान भी होते हैं। ठीक है बेटे, ठीक इसी तरीके से हम लोग आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर हमने इसे फंक्शन एफ एक्स ले लिया क्योंकि एक्स का फंक्शन है अपने पास। तो ये है बेटे साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x। ठीक है बेटे, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का सम है, दो फंक्शन ऑफ फंक्शन हमारे पास है और उनका सम लिया गया है। डिफरेंशिएट करने पर सम रूल और साथ में चेन रूल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आपके पास आता है, और साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 3sin² x, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो बेटे आएगा कॉस एक्स, और इसी प्रकार इसका डेरिवेटिव निकालते हो कॉस रेज टू द पावर 6x का, तो 6cos रेज टू द पावर 5x आता है, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है बेटा माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सको तो 3 आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है साइन एक्स और बेटे कॉस एक्स, ये चीज़ें कॉमन आ गई, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया साइन एक्स और माइनस ऑफ
cos raised to the power 4, twice of cos raised to the power 4x, ठीक है बेटे, और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, क्लियर हुआ बेटे, ओके, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, तो जब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटे, तो आप देख सकते हो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो है बेटा 5x raised to the power 3 cos of 2x, ठीक है बेटा, तो अब आप देखो ये फंक्शन की पावर में भी क्या लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है, तो हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और ऐसा करने पे हमारे पास आया बेटे लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5x रेज टू द पावर 3 कॉस ऑफ 2x, ठीक है बेटे, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 cos of 2x एंड log of 5x, ठीक है बेटे, अब आप देख सकते हो आपके पास दो फंक्शन आए और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आप डिफरेंशिएट करते समय यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटे, हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log of fx का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन fx इनटू में एफ डैश एक्स, चेन रूल का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है बेटे, 3 हमारे पास कांस्टेंट था मैंने बाहर रखा, अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो cos of 2x into log of 5x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5x, ठीक है बेटे, और फिर 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो into 5 आएगा और प्लस log of 5x, और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है cos of 2x को, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x इनटू में 2, ठीक है बेटे, और इसे अगर हम अरेंज कर सके यहाँ पे तो 5 से 5 तो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैं f डैश x को लिख सकता हूँ fx, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ fx और ब्रैकेट में आपके पास आएगा बेटा cos of 2x upon x, ठीक है बेटे, और माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 sin 2x इनटू में log ऑफ 5x, ये आपके पास आया बेटे, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आया, और अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, मुझे fx की वैल्यू यहां रख देनी चाहिए, तो fx अपना जो दिया हुआ था वो बेटे था 5x raised to the power 3 cos of 2x, और उसके बाद जो भी आपके पास ये डेरिवेटिव आया था उसे आप लिखते cos of 2x upon x and minus of 2 sin of 2x और into में log of 5x, ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का आया थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है बेटे, ऐसे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, चलिए ये हुआ इसका आंसर बेटे, आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे बेटे, तो फोर्थ क्वेश्चन बेटे क्या है, ये दिया हुआ है fx equals to sine inverse of, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x root over of x, यानी यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर हाफ है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ x raised to the power 3/2, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू द पावर 3/2, अब इसे हम डिफरेंशिएट करें अगर तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बेटे हमारे पास आता है fx का डेरिवेटिव f डैश x, हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव डालना है तो आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, नाउ इन प्लेस ऑफ x यू हैव x रेज टू द पावर 3/2, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो x का क्यूब आएगा बेटे, ठीक है बेटे, स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इनटू फिर हमें x रेज टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना होगा, तो 3/2 x रेज टू द पावर हाफ, ठीक है बेटे, ये आपका आंसर आएगा, इसे थोड़ा सा हम अरेंज करके अगर लिखें तो f डैश x इक्वल्स टू 3/2, और आप चाहो तो एक ही स्क्वायर रूट में इनको लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x क्यूब, हम ऐसे भी इस आंसर को लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी इसका आंसर कहलाएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है बेटे,
तो आपने देखा कि ये शुरू के चार क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, बड़े आसानी से डिफरेंशिएट होके आंसर आने में कोई कष्ट हमें नहीं हुआ। अब फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है बेटे, ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है और ये क्वेश्चन 6 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है और इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है बेटे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ताकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको और क्लियर हो, ताकि आपको डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन अगर आए थोड़े मुश्किल वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो आप उन्हें आसानी से कर सको। इसलिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसके बाद कर लेना चाहिए, ठीक है बेटे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आपने देखा कि ये क्वेश्चन सारे ही आसान थे। चार क्वेश्चन के बाद हमें करना है अपना 5वां क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का और 5th क्वेश्चन हम लोग करें यहाँ पे जरा। तो 5th क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है आपको, इस फंक्शन को भी मैं fx अगर ले सकूं, ठीक है बेटे। तो fx equals to cos inverse of x by 2 आप देख रहे हो और divided by root over of 2x plus 7, क्योंकि ये दो फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड में दो फंक्शन लिखे हुए हैं, तो मुझे इसमें क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद जहां आवश्यकता होगी हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे बेटे, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप देख सकते हो बेटे ये fx का डेरिवेटिव fx है और यहां पे हम क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x + 7 * डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x / 2, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x / 2 और माइनस cos इनवर्स x / 2 * डेरिवेटिव ऑफ 2x + 7, ठीक है बेटे, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे स्क्वायर करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सिंपलीफाई करें, f(x) √ ओवर ऑफ 2x + 7, ठीक है बेटे, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हो, इसका डेरिवेटिव निकालते हो अगर, तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर x का स्क्वायर होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है बेटे, और इनटू x / 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 / 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ cos इनवर्स x / 2 और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, यानी 1 अपॉन 2 रूट 2x + 7, और फिर इस फंक्शन का जो रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 2x + 7 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटे। तो थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसे मैं लिख सकूं अगर f(x) = 2, और मैं क्यों ना इसे 2x + 7 से पूरे को डिवाइड कर दूं अगर, तो आप देख सकते हो बेटे आपके पास जो चीज बचती है और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो आप 2x + 7 और यहां पे माइनस का साइन मुझे लगा लेना चाहिए, ठीक है बेटे, यहां पे मुझे माइनस का साइन लगाना चाहिए और यहां पे जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आप देख सकते हो बेटे 2 ऊपर आ जाएगा यहां पे न्यूमरेटर में और नीचे आपको मिलेगा 4 - x स्क्वायर डिनोमिनेटर में मिलेगा और आपके साथ यहां पे 1 / 2 भी मिल रहे हैं, ठीक है बेटे। और क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग एलसीएम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों न्यूमरेटर्स के साथ, तो इस तरीके से ये आपके पास आता है cos इनवर्स ऑफ x / 2 और चूंकि ये भी इसके डिवाइड में है तो ये 2x + 7, बेटे आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ पावर है और यहाँ पे 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा और ये पावर आपको मिलेगा 3/2, ठीक है बेटे, ये पावर आपको मिल जाएगा कितना, 3/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें हम तो आप देख सकते हो ये रूट इसको कैंसिल करेगा और अपने पास जो वैल्यू आएगी बेटा f(x) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आपके पास 2x + 7 रूट में आया और इनटू में रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा और माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन 2x + 7 रेज टू द पावर 3/2, और ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, उसके बाद मैंने एलसीएम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ पावर है और उसी फंक्शन का यहाँ पे पावर 1 है,
जब हम इसे पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ इसका हाफ पावर बचेगा और ये भी रूट डिवाइड में ही आएगा, ठीक है बेटे। और यहाँ पे जो था वो हमने सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेटे फिफ्थ क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हमने करके देखा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े मिसलेनियस के अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है बेटे। और इन पे आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझना है और खूब प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बेटे। आते हैं आगे, अब लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। मैंने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है बेटे। और इसी तरीके से डेरिवेटिव्स पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर इस टाइप से लिखे हो, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वो सारे क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव्स के चैप्टर में भी इंक्लूड हो सकते हैं उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए। यानी सबसे पहले हमें उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, और जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटे कन्वर्ट हो जाते हैं तब हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जिनमें लिखा हो कि आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, वो जरूर आपके डेरिवेटिव चैप्टर के भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने जो सिक्स क्वेश्चन है, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज आप मिसलेनियस में देखो तो ये क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको इस एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को। जब क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसे एफ एक्स ले लिया, इस फंक्शन को दिया हुआ है कॉट इनवर्स और रूट ओवर ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स। ये कुछ फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो अब हम इसमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक वीडियो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ही आपको दे रखा है, आप उस वीडियो के थ्रू इन सभी आइडेंटिटीज को याद कर सकते हो, या अगर आपको याद नहीं हो तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि वन प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि रूट के अंदर है, जैसे हम लिखते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है प्लस, और इसके लिए हम लिखते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और इस तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास आता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे आएगा बेटा कॉस एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, और क्योंकि रूट में होल स्क्वायर अंदर लिखा हुआ है तो इस वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर था रूट के अंदर, इस वजह से रूट जो है कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू और माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटे, प्लस ऑफ साइन एक्स बाई टू। बेसिक कैलकुलेशन, इसमें डेरिवेटिव का कोई लेना देना नहीं, आपने ये दोनों कैंसिल किया और ये दोनों चीज़ आप इसमें कैंसिल हो रही है बेटे, आपके पास आया कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर में कॉस एक्स बाई टू दो बारी है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू कॉस एक्स बाई टू, और इस तरीके से डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि साइन एक्स बाई टू दो बार है तो ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। अब आपको मिलता है कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, और ये हो जाता है बेटे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, और यहाँ पे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद ये मुझे x by 2 मिलता है। तो आप देख सकते हो इतना भारी भरकम क्वेश्चन और हमने आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी हमने लगाया तो बहुत सिंपल रिजल्ट में ये रिड्यूस हुआ, ठीक है बेटे। और fx अपने पास आ गया x by 2, अब आप इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे और ये f डैश x आ जाएगा आपका 1 by 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है बेटे। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से
सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेवेंथ क्वेश्चन है, और सेवेंथ क्वेश्चन भी लॉग से रिलेटेड है। ठीक है बेटे, मैं अब इन क्वेश्चनों के आपको हिंट दे दूंगा, आप आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है बेटे, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो एक मामूली सा हिंट भी आपको क्वेश्चन करने में मदद कर सकता है इस समय। ठीक है बेटा, चलो आते हैं बेटे सेवेंथ क्वेश्चन पे। और सेवेंथ क्वेश्चन अपना जो फंक्शन था क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो log of x raise to the power log of x है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फंक्शन इस टू द पावर फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन को एज एन इज, कोई मेरे पास रूल नहीं है डिफरेंशिएट करने का, तो मैं log लेके इसे मल्टीप्लाई में ले आऊंगा। ठीक है बेटे, तो लिखेंगे taking log both side। ठीक है बेटे, तो ये आता है log of fx is equals to log of log x raised to the power log of x, और ये हो जाएगा फिर log की प्रॉपर्टी लग के log of x log of log x। ठीक है बेटे, अब ये आपका कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा कहलाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसे हम प्रोडक्ट रूल से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log of fx का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन fx इनटू f डैश x आता है, और इक्वल्स टू यहां पे आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो आप देख सकते हो log of x, log of log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन log x इनटू 1 बाय x आपके पास आएगा। ठीक है बेटे, और प्लस सेकंड फंक्शन को एज इज लिखकर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी। आप देख सकते हो log of x हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहां से आपको मिलता है f डैश x इक्वल्स टू fx, और दोनों में आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में x कॉमन था मैंने बाहर ले लिया, और यहां मुझे मिलता है 1 प्लस log of log x। ठीक है बेटे, और अब हम लोग fx जो दिया हुआ था हमें वो वैल्यू यहां पे अगर पुट कर दें तो log of x raised to the power log of x upon x, और बेटे 1 प्लस log of log x, ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए, वही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने करना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है बेटे, fx आपको दे रखा है cos of a cos of x plus b sin of x, बहुत ही सिंपल, ओनली आपको चेन रूल अप्लाई करना है। ठीक है बेटे, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देख सकते हो f(x) आएगा माइनस ऑफ साइन। ठीक है बेटे, a cos of x plus b sin of x, और इनटू जब हम इसे ऑफ वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ a sin x और प्लस b cos x, ये बेटे इसका आया डेरिवेटिव। इस तरीके से आप आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने ले लिया fx equals to sin of x minus cos of x raised to the power sin of x minus cos of x, फिर आप देख सकते हो फंक्शन raised to the power फंक्शन है, log लेना चाहिए मुझे, तो मैंने लिखा taking log both sides, दोनों sides का मैंने log लिया, तो मेरे पास आया log of fx is equals to log की property हमने लगा दी, जो पावर होता है वो बेटे मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड log of sin x minus cos x, ये चीज आया आपके पास, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया सेकंड फंक्शन। आप आसानी से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया, सेम उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इसमें कोई आपको अड़चन नहीं आएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने 9th क्वेश्चन कर लिया, आते हैं 10th क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि 10th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप भूल नहीं रहे हो तो ये हम लोगों ने अपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले एक्सरसाइज में जो 5.5 है, उस एक्सरसाइज के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा क्या करेंगे आप। मैं लेता हूं बेटे इस समय 10th क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है बेटे, बहुत ही आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। हम ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10,
तो क्वेश्चन नंबर 10th बेटे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने fx लिख कर दिया फंक्शन को आपके, तो x raised to the power x plus x raised to the power a plus a raised to the power x and plus a raised to the power a। तो बेटे आप देख सकते हो कुछ इसमें फंक्शन raised to the power फंक्शन है, तो हमें इन्हें अलग अलग u v w ऐसा करके लेट कर रहे हैं अगर, तो u equals to x raised to the power x, v equals to x raised to the power a और w is equals to a raised to the power x and suppose z is there, ठीक है बेटे, and z is equals to a raised to the power a। अगर हमें अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ fx equals to u plus v plus w plus z, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है बेटे। और अगर हम f as x निकालते हैं तो ये आता है du by dx plus dv by dx plus dw by dx और plus dz by dx। मान लीजिए इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है बेटे। अब आप बारी बारी से du by dx, dv by dx, dw by dx और dz by dx की वैल्यू निकालिए और इस फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे। जैसे देखो आप, आपके पास u कितना है बेटे, x raised to the power x, तो इसमें मुझे log लेना चाहिए, तो log of u equals to x log of x, ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं। अब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आया मुझे 1 by u du by dx is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first, ठीक है बेटे। और आपके पास du by dx आता है u और 1 plus log x, अगर मैं u की वैल्यू यहां रख दूं तो x raised to the power x 1 plus log x, ये आपका du by dx आया, ठीक है बेटे। और इस तरीके से v क्या है, v दिया है आपने x raised to the power a, यहां पे log लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x की पावर जो है वो एक फंक्शन ना होके एक कांस्टेंट है, ठीक है बेटे, एक रियल नंबर है। तो यहां पे मैं dv by dx डायरेक्टली निकाल सकता हूं, a x raised to the power a minus 1 आएगा। और ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो कि w आपके पास a raised to the power x है, वैसे तो ये किसी कांस्टेंट raised to the power फंक्शन है, इसको मुझे log लेके ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन स्पेशली इसी फंक्शन के लिए इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो डायरेक्ट वे ऑफ डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसका, और वरना हमें लॉग लेके भी सॉल्व करने पर वही रिजल्ट आएगा, हम दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल a raised to the power x के लिए कर सकते हैं, या तो आप लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लो और या आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है आप डायरेक्टली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो बेटे dw by dx होगा a raised to the power x log of a, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से z था अपने पास a raised to the power a, ये as a whole क्या है, constant है, और as a whole अगर constant है तो dz by dx बेटे 0 आता है। अब ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपके f dash x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो जो वैल्यू आई है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो और आपको मिलेगा f dash x, और वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है बेटे, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इतना तो मैं उम्मीद कर लूँ, ठीक है बेटे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक, ठीक है बेटे। और 11th क्वेश्चन है fx equals to x raised to the power x square minus 3 और plus x minus 3 raised to the power x square। तो मैंने बहुत शुरू में ही आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा खासा आपको इस विषय इस फंक्शन के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बहुत डिटेल में आपको बताया था कि जब भी दो फंक्शन आपको दिए हुए हों और उसमें फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन दोनों फंक्शन में लिखा हुआ हो, बीच में उनमें प्लस या माइनस का साइन अगर आता हो तो एक को यू लेट करते हैं और एक को वी लेट करते हैं, अलग अलग उनका डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स लॉग लेने के बाद निकालते हैं और फिर अपने जो हमने एफ एक्स को यू और वी लेट किया होता है उसके डेरिवेटिव में उसे पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बेटे। सेम वही काम आप करोगे, आप लेट कर लो यहाँ पे
u equals to x raised to the power x square minus 3 और b equals to x minus 3 raised to the power x square. और इसका मतलब क्या हुआ कि fx हो गया बेटे u plus v. और इसका मतलब हुआ कि f dash x जो आया बेटे वो आया du by dx और plus dv by dx. ठीक है बेटे. अब चूंकि u क्या है आपके पास, u है x raised to the power x square minus 3, तो यहाँ पे आपको log लेना होगा, taking log both sides और उसके बाद आप इसे differentiate करोगे. और ठीक उसी प्रकार v आपके पास है x minus 3 raised to the power x square और इसके लिए भी आपको log लेना चाहिए, taking log both sides. ठीक है बेटे, दोनों sides को आपको log लेना चाहिए और उसके बाद फिर इसका भी derivative आपको निकालना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया. और वो दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट कर दोगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से इसका आ सकता है. ठीक है, अब बेटे आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे. 12th क्वेश्चन बेटा जैसे कि आप देख सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है अपने पिछले स्लाइड में. उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे. ठीक है बेटे, आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे. 12th क्वेश्चन आप देखो बेटा क्या बोल रहा है कि y equals to 12 1 minus cos of t और x दिया हुआ है 10 t minus of sin t. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पैरामीटर कौन है बेटा t, यानी y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो x और y दोनों को अलग अलग हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग y एंड x विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया dy by dt is equals to 12 और बेटे sin of t क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और cos t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin t होता है तो इतना आ गया. और इस तरीके से dx by dt जो आएगा बेटा 10 1 minus cos of t. ठीक है बेटे, आप ऐसे लिख सकते हो. और उसके बाद मुझे क्योंकि निकालना है dy by dx तो dy by dx आपको पता है होता है dy by dt अपॉन dx by dt और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 12 sin t अपॉन 10 1 माइनस cos t. ठीक है बेटे, आप यहाँ से कुछ कैंसिल कर सको 2 6 12 2 5 10 तो आप देख सकते हो 6/5 आ रहा है. और यहाँ पे इन दोनों की आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी 2 sin t by 2 cos t by 2 और बेटे 1 माइनस cos t होता है 2 sin square t by 2. 2 से 2 कैंसिल हुआ. ठीक है बेटे, साइन टी से इसकी एक पावर गई. ठीक है बेटे, और आपके पास आया 6/5 और कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू बेटे होता है कॉट टी बाई टू और ये है इसका आंसर. तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला. ठीक है, आते हैं बेटे 13th क्वेश्चन पे और देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या कहता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा. ठीक है बेटे, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13th क्वेश्चन. तो 13th क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो है हम इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है देख सकते हो y इक्वल्स टू दिया हुआ है बेटे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है बेटे, तो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन अगर आप इसमें करते हो लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा तो इसका मतलब थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x. ये वैल्यूज आप पुट कर दो तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटे, तो यहाँ पे बचता है थीटा और ये होता है बेटे साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा और इसे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा. आप आसानी से लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा और आपके पास फिर आएगा बेटे थीटा प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी और यह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा. थीटा से थीटा कैंसिल हुआ और आपके पास आया वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू जो कि एक कांस्टेंट है और जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा जीरो. ठीक है बेटे, डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा
वो मिलेगा 0। आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस छोटे से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा निकाल सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन अगर डेरिवेटिव में पूछे जाते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है और सब्स्टिट्यूशन करोगे, और अगर कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है तो आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटे, उनका इस्तेमाल करके हम आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटे 13th क्वेश्चन के बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा अपना 14, लेकिन 14 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियोस में जो प्रीवियस ईयर था अपना, प्रीवियस ईयर वाले जो वीडियोस थे, जो दो वीडियो आपको दिए हैं मैंने, उसमें उस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं एक बार आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, ठीक है, आप अंदाजा आपको लग जाएगा कि हाँ हमने वो क्वेश्चन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटे कुछ ऐसा था, वो था इफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने किया गया था एक फैक्टर को मैंने राइट साइड पर ट्रांसफर किया था, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने सॉल्व किया था, y को एज अ फंक्शन ऑफ x में हमने चेंज कर दिया था, और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाल के अपना रिजल्ट बड़ी ही आसानी से आपके पास आया था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं आपसे, इफ x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आप इक्वेशन वन मानो। ठीक है बेटे, और यहाँ बोला गया है कि c एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो आपने शो करना है देन शो दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है बेटे, रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी अगर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपको दिया हो और सी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हो, तो मुझे शो करना है कि ये पूरी क्वांटिटी भी एक कॉन्स्टेंट आएगी जो a और b से इंडिपेंडेंट होगी, तो फिर यानी कि वो c के टर्म्स में ही कुछ आंसर आपका आएगा, ये मुझे शो करके दिखाना है। ठीक है बेटे, चलो सॉल्व करते हैं बेटे। आपको फंक्शन जो दिया गया था x माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, ये दिया था, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन माना। अब आपने इसे डिफरेंशिएट किया बेटे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटे, तो आपने डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस ऑफ x माइनस a प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस b dy by dx इज इक्वल्स टू आता है कितना 0, और यहां से आप देख सकते हो कि dy by dx की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो ये माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b आपको मिलता है। ठीक है बेटे, और इसे हम क्यों ना इक्वेशन 2 मान लें। ठीक, तो ये मैं dy by dx निकाल पाया हूं। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और वहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालेंगे, और फिर इस क्वांटिटी के अंदर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या आता है अपने पास, क्या वो एक कांस्टेंट आता है जो इंडिपेंडेंट हो ए और बी के। ठीक है बेटे, चलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगाओगे। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन रूल लगाओगे y माइनस b और x माइनस a का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस बेटे x माइनस a और dy by dx का y माइनस b का डेरिवेटिव dy by dx आ जाएगा बेटा, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर यहाँ के पास आया। ठीक है बेटे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो आप ध्यान दोगे जरा, यह आता है माइनस ऑफ y माइनस b माइनस dy by dx, यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाते हैं, x माइनस a का स्क्वायर होगा
और यहाँ पे y माइनस बी होगा और होल डिवाइडेड बाई y माइनस बी का स्क्वायर आया। ठीक है बेटे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, एलसीएम ले लें, तो हमारे पास आता है y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है बेटे, कुछ ऐसी चीज आती है। और इसे मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इक्वेशन वन में, हम इसे बड़े ही आसानी से सी स्क्वायर लिख सकते हैं और होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। हम इसे थर्ड इक्वेशन मान के यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है बेटे, थर्ड इक्वेशन मान के छोड़ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जरा इसकी वैल्यू जो बाकी बची हुई है उसको निकाल के और देखें कि ये क्वेश्चन आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटे, तो y माइनस आपके पास देखो dy by dx आ चुका है और आपके पास d स्क्वायर y by dx स्क्वायर आ चुका है, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इनको अगर हम पुट कर दें, नाउ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3 by 2 अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जरा ये देख लेते हैं हम। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो ये आएगा 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का आपने करना है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर आपके पास आ चुके हैं, माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ये आपके पास आ चुके हैं। थोड़ा और सिंपल करूँ मैं अगर, तो आप देख सकते हो y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाई 2, ये जो नेगेटिव साइन था वो मैं यहाँ लिख लूँ अगर, और यहाँ पे y माइनस बी होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, यानी इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे, फिर मैं इक्वेशन वन की मदद ले लूंगा और इस पूरे न्यूमेरेटर इधर मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर और रेज टू द पावर बेटे 3 बाई 2, डिनोमिनेटर के भी 3 बाई 2 पावर करोगे तो ये y माइनस बी का क्यूब बन जाएगा आपके पास, y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, और आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो गया और ये पूरी चीज इससे कैंसिल हुई, आपके पास माइनस ऑफ सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर आया, ये इससे कैंसिल होके आपके पास बचा है माइनस ऑफ सी जो कि इंडिपेंडेंट है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, जो कि आप देखो कि ए और बी से ये जो जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि भाई आपको शो करना था कि ये पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट आएगी और जो ए और बी से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए लेकिन वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है बेटे, तो मैंने यहाँ पे शो किया कि ये एक कांस्टेंट ही आ रहा है लेकिन वो ए और बी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि हमने अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन बहुत ही ढंग से इस वीडियो में हमने समझा और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है बेटे, एक आधे क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके थे या जो हमारे लाइव क्वेश्चन थे जो हम कर सकते थे उसको मैंने हिंट देके आपको लेके छोड़ा हुआ है, आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी तरफ प्रैक्टिस करोगे अपने घर पे। ठीक है बेटे, वीडियोस को देख के इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है बेटे, इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपके उस दुविधा को जरूर दूर किया जाएगा। ठीक है बेटे, और बचे हुए 2-4 क्वेश्चन और अब आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर वाले अपने वीडियोज में करा चुका हूँ, इनकेस फिर भी कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, और बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।